Dear students, assalamu alaikum. My name is Muhammad Atif, lecturer chemistry at City College of Science and Commerce, Multan. Jito student, umeed karta hu aap khairiyat se honge. Our today lecture is with the name of hybridization. Hybridization, an important and very interesting topic from the chapter of chemical bonding. This lecture is specially designed for BS Zoology third semester, BS Chemistry first semester, BS Physics first semester and FSC classes. In this lecture, we will discuss about different type of hybridization. Before going towards the introduction of hybridization, we must come to know about the different theories of chemical bonding. Dekhiye, different atoms ke darmiyan chemical bond ko understand karne ke liye hamare paas different theories hai, jaise ki Lewis theory, Vesper theory, valence bond theory aur phir molecular orbital theory. Hum baat karte hain valence bond theory ki. Jee to student, in valence bond theory we come to know about the formation of bond. Valence bond theory explain the bond formation on the behalf of atomic orbital overlapping. It explains how filled atomic orbitals overlap and after overlapping bonds are formed. Bond formed are of two type, sigma bond and pi bond. Okay? Sigma bond jab linearly do atomic orbitals overlap karte hain to sigma bond ban jata hai, lekin jab do atomic orbitals parallelly overlap karte hain, jaisa ki ye do molecular atomic orbitals hain, ye parallelly overlap karein, as a result the bond form will be pi bond. Lekin kuch molecules ki bond formation ko valence bond theory explain nahi kar pati, jo ki isi lecture mein hum dekhenge. Ji to student, chalte hain, what is hybridization? Hybridization kya cheez hai? Hybridization is defined as mixing of atomic orbitals to form new hybrid orbitals. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे यील्ड अ न्यू सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. देखें जो ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होते हैं उनकी एनर्जी, उनकी शेप डिफरेंट होती है, लेकिन आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन दे हैव सेम शेप एंड सेम एनर्जी. जैसे कि स्लाइड में आप देख सकते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स हो रहे हैं एंड आफ्टर इंटरमिक्सिंग दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. ठीक हो गया जी. तो चलते हैं, व्हाट इज मोटो ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ क्यों रहे हैं, हमें क्या जरूरत आई हाइब्रिडाइजेशन की. मस्ट रिमेंबर द पर्पस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन मेक एबल दोज ऑर्बिटल्स टू फॉर्म बॉन्ड विच आर अनएबल टू फॉर्म बॉन्ड. देखिए, हाइब्रिडाइजेशन उन ऑर्बिटल्स को बॉन्ड फॉर्म करने के काबिल बना देते हैं जो कि बॉन्ड फॉर्म करने के काबिल नहीं थे. जैसा कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, यहाँ पे बेरिलियम दिखाया गया है. बेरिलियम विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2. देखें, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल विल ओवरलैप एंड फॉर्म बॉन्ड, लेकिन बेरिलियम के पास तो कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ही नहीं है, इससे तो कोई बॉन्ड बनाना ही नहीं चाहिए. लेकिन देखें, बेरिलियम क्लोराइड के केस में बेरिलियम दो बॉन्ड बना रहा है. कैसे दो बॉन्ड बना रहा है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बिहाफ ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ऐसा ही आगे चलते हैं तो हमारे पास कार्बन है. कार्बन विच हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz. इनमें से देखिए, कार्बन हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py एंड 2pz. यहां पे देखिए, px में एक इलेक्ट्रॉन है, py में एक इलेक्ट्रॉन है एंड pz डू नॉट कंटेन एनी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट. इसका मतलब है यहां पे दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, तो कार्बन शुड फॉर्म टू बॉन्ड्स. लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड कार्बन इज गोइंग टू फॉर्म फोर बॉन्ड. कार्बन चार बॉन्ड क्यों बनाता है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. सो देयर इज नीड ऑफ एन अदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट विच कैन एक्सप्लेन अबाउट. देखिए, इसी ये अगर हम कहें कि ये ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है,
ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है. इन केस ऑफ एक्साइटेड स्टेट एन इलेक्ट्रॉन यहाँ से, जो दो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइट करके 2pz में चला जाएगा और एज ए रिजल्ट ये कन्वर्ट हो जाएगा एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा. इस बेस पे हम कार्बन की टेट्रावेलेंसी को तो शो कर सकते हैं, लेकिन कार्बन चार बॉन्ड कैसे बना रहा है ये हम नहीं बता सकते. देखें ये चार ऑर्बिटल्स हैं s, px, py एंड pz, ये चारों अवेलेबल होंगे. ये हमारे पास s ऑर्बिटल अवेलेबल है, ये हमारे पास px ऑर्बिटल अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास py ऑर्बिटल अवेलेबल है एंड pz. तो यहाँ पे देखें कार्बन चार बॉन्ड कैसे बना रहा है और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल किस तरह की होगी, वी कैन नॉट एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स. इस बेस पे हम इसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते. सो देयर इज नीड ऑफ एन अदर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन. जी तो स्टूडेंट चलते हैं अबाउट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. देयर आर वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन अमंग विच देयर इज sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, d2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, इसके अलावा भी हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ ग्रेजुएशन लेवल तक हम इतनी ही टाइप्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें से पहले हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है जिसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. ठीक है, व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 3p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड फॉर्म फोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी. देखें एक s और तीन p, जिसमें px होगा, py होगा एंड pz होगा, आपस में इंटरमिक्स कर जाते हैं, आपस में ओवरलैप कर जाते हैं और बनने वाले ऑर्बिटल्स कितने होंगे, चार, क्योंकि चार ही आपस में इंटरमिक्स हुए थे, चार ही न्यू ऑर्बिटल्स बनेंगे. आप डायग्राम में देख सकते हैं बनने वाले चारों ऑर्बिटल्स टेट्राहेड्रल मैनर के अंदर एक दूसरे के साथ अरेंज है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम मीथेन की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं. मीथेन विच हैव कार्बन एज सेंट्रल एटम, देखें CH4 मीथेन है. अगर हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल अवेलेबल है और हमें यह नहीं पता कि उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, उसके लिए एक सिंपल सा रूल आपको बता रहा हूं. सिंपल सा रूल क्या है कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दी सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, नंबर ऑफ एटम्स. देखिए यहां पे सेंट्रल एटम है कार्बन, कार्बन के साथ में कितने एटम्स अटैच हैं, ठीक है, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स. अगर ये नंबर ऑफ एटम्स अटैच प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स, इनकी वैल्यू आती है 4, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. और अगर नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम प्लस लोन पेयर की वैल्यू आती है 3, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp2. और अगर नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर की वैल्यू आती है 2, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp. देखिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जैसे कि वाटर, हमें नहीं पता इसके सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हमने मालूम करना है. तो नंबर ऑफ एटम्स अटैच, इसके साथ में दो हाइड्रोजन एटम अटैच है, वैल्यू होगी 2, प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर, दो लोन पेयर अटैच है, 2 प्लस 2 वैल्यू इज 4, तो इसकी वैल्यू होगी क्या 4. वैल्यू 4 है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी. हमारे पास मॉलिक्यूल अवेलेबल है इथीन, इथीन में दो कार्बन अवेलेबल है, दोनों कार्बन का एनवायरनमेंट सेम है. हमें ये फाइंड आउट करना है कि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, सेम प्रोसीजर, नंबर ऑफ एटम्स अटैच. देखें ये वाला एक एटम है, इसके साथ में अदर एटम कितने अटैच हैं, एक कार्बन अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच है, 3 अदर एटम्स अटैच है, ठीक है. नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज 0, 3 प्लस 0 वैल्यू इज 3, इसका मतलब है कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी. क्यों, अभी तो हमने देखा है कि जब नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर्स की वैल्यू 3 होती है तो हाइब्रिडाइजेशन विल बी
sp2, तो ये कार्बन sp2 हाइब्रिड होगा और इसके साथ वाला कार्बन भी sp2 हाइब्रिड ही होगा। अब चलते हैं, देखिए हमारे पास एक अदर मॉलिक्यूल है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलीन मॉलिक्यूल। एसिटाइलीन के केस में जो एक कार्बन है दैट इज फर्दर कनेक्टेड विद टू एटम्स, एक साइड पे कार्बन है दूसरी साइड पे हाइड्रोजन है, और नंबर ऑफ लोन पेयर देखें यहाँ पे वैल्यू क्या बनती है, यहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम इज 2, नंबर ऑफ लोन पेयर इज 0, तो इस कार्बन की वैल्यू क्या हो गई, वैल्यू इज 2, इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। क्यों, वैल्यू 2 है, हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। जी तो स्टूडेंट ये था अबाउट हाउ टू फाइंड आउट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अब चलते हैं हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल, जिसमें हम मीथेन को डिस्कस करने जा रहे हैं। मीथेन जिसमें सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन है, ठीक है। सबसे पहले हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जिसमें 1s2 2s2 2px 2py 2pz। 2px में एक इलेक्ट्रॉन है, 2py में एक इलेक्ट्रॉन है, 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इट विल कन्वर्ट इनटू एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि यहां पे आपके पास गिवन है। एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2s से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके 2pz में चला जाएगा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन 2pz में चला जाएगा, चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे, ठीक है। अब ये चारों ऑर्बिटल्स 2s 2px 2py 2pz आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे एंड विल फॉर्म फोर न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद द नेम ऑफ sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे माइंड में जनरेट होता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो एक्साइट करके 2s से 2pz में गया है, वो क्यों गया है, और इस ड्यूरिंग उसे जो एनर्जी चाहिए थी वो एनर्जी उसने कहां से गेट की है, ठीक है। उसने ये एनर्जी कहां से गेट की है, याद रखेंगे एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब कि इसे एनर्जी चाहिए। एट द सेम टाइम हाइब्रिडाइजेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, बोथ द प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन एंड एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों एक ही वक्त में हो रहे होते हैं। एक प्रोसेस हीट रिलीज करता है, दूसरा प्रोसेस हीट एब्जॉर्ब करता है, एज ए रिजल्ट ऑफ विच सेम टाइम पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट भी कर होता है और एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स भी हो रहे होते हैं, और एज ए रिजल्ट हमारे पास न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं। और सेम इसी तरह हमारे पास कार्बन जो है वो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना देता है आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s 2px 2py एंड 2pz। और अब इन चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं। जी तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ये देखते हैं कि यही जो चारों sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। आफ्टर ओवरलैपिंग विद 1s ऑफ हाइड्रोजन इट फॉर्म अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल बनता है जिसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, और इसमें चारों के चारों बॉन्ड एंगल 109.5। देखिए जब भी परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी द बॉन्ड एंगल विल बी 109.5। तो ये मीथेन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है जिसकी वजह से इसका एंगल 109.5 होगा, और कार्बन हाइड्रोजन चार सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे बिटवीन sp3 एंड 1s। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम sp3 हाइब्रिड होता है, इसमें से कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख रहे हैं, जैसा कि CH4, जैसा कि वाटर, अमोनिया, इथेन, और इसके अलावा और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। ये था अबाउट sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब चलते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स ओवरलैप एंड आफ्टर ओवरलैपिंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड विद सेम शेप एंड एनर्जी। इसका मतलब है कि एक s और 2p इंटरमिक्स में टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए हैं। आफ्टर इंटरमिक्सिंग 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे और बनने वाले ऑर्बिटल्स के नेम क्या होंगे, sp2। क्यों, एक s और 2p इंटरमिक्स हुए, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इनके नेम होंगे, एंड दीज थ्री sp2
two hybrid orbital will arrange in the space at 120 angle, and in ये तीनों ट्राइगोनल प्लेनर वे में एक दूसरे के साथ में अरेंज होंगे और इनके दरमियान एंगल 120 डिग्री का होगा. एट द सेम टाइम एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिड होगा, जो कि 2PZ हम लेबल कर सकते हैं. 2PZ अनहाइब्रिड होगा तो वो इनके साथ में परपेंडिकुलर अवेलेबल होगा. जैसे कि देखिए हमारे पास ये तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं. एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो होगा दैट विल perpendicular to these three orbitals, in tino orbital se perpendicular hoga, and that is 2pz unhybrid. Dekhte hain sp2 orbitals. Ji to chalte hain sp2 hybridization ki example ki taraf. Iski ek example hamare paas hai c2h4, jisse hum ethene ka naam de sakte hain ya ethylene bhi keh sakte hain. Ethene ya ethylene mein do carbon available hote hain, char hydrogen available hote hain. देखिए जो कार्बन होता है दैट इज डबली बॉन्डेड विद कार्बन, एंड ऑन ईच कार्बन टू हाइड्रोजन्स आर अवेलेबल. हमने ये फाइंड आउट करना है कि दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी. वही प्रोसेस जो भी पहले हमने किया था कि एक एटम के साथ में अदर एटम, देखिए ये हमारे पास कार्बन एक एटम है, इसके साथ में अदर एटम्स, एक कार्बन अटैच है, दो हाइड्रोजन अटैच है. नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम कितने हैं? 3. और नंबर ऑफ लॉन पेयर्स दैट इज 0. वैल्यू कितनी आ गई? 3. जब वैल्यू 3 है हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3. तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी. इसमें मतलब दोनों कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिड होंगे. अब एक sp2 हाइब्रिड कार्बन कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर रखता है. इन द सेम वे दूसरा हाइब्रिड कार्बन भी सेम स्ट्रक्चर रखता होगा. दूसरे हाइब्रिड कार्बन की स्ट्रक्चर देखते हैं. जी तो स्टूडेंट इथीन के केस में दो हाइब्रिड कार्बन अवेलेबल होंगे और दोनों हाइब्रिड कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन रखते होंगे. जैसा कि यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे आप देख सकते हैं दोनों कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी और दोनों के पास तीन तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एट 120 एंगल अवेलेबल होंगे. एट द सेम टाइम बोथ कार्बन कॉन्टेन वन अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा दैट विल बी पैरेलली अरेंज, पैरेलली ओवरलैप विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ पैरेलली ओवरलैप कर जाएगा. एंड आफ्टर इट्स पैरेलल ओवरलैपिंग इट विल फॉर्म अ पाई बॉन्ड. ये एक पाई बॉन्ड बना देगा. sp2 और sp2 दोनों आपस में एक दूसरे के साथ में ओवरलैप कर जाएंगे. ड्यू टू sp2 एंड sp2 ओवरलैपिंग अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म. ये एक सिग्मा बॉन्ड बना देगा. लेटर ऑन दो दो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है अभी बाकी हैं, दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है. दीज बोथ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप विद हाइड्रोजन्स, 1s orbital of hydrogen, and in this way 4 new bond will be formed, 4 sigma bonds will be formed due to sp2 and 1s overlapping, and in this way both carbon in the ethylene are trigonal planar and have 120 angle. अब देखते हैं कि ethylene के केस में कार्बन कार्बन बॉन्ड्स कितने हैं. कार्बन कार्बन एक सिग्मा बॉन्ड है ड्यू टू sp2 एंड sp2 ओवरलैपिंग. कार्बन कार्बन एक पाई बॉन्ड है ड्यू टू 2pz 2pz पैरेलल ओवरलैपिंग. और कार्बन हाइड्रोजन चार सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, किस वजह से? ड्यू टू sp2 एंड 1s ओवरलैपिंग. जी तो स्टूडेंट ये था अबाउट sp2 हाइब्रिडाइजेशन. जी तो स्टूडेंट चलते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन की तरफ. व्हाट इज sp हाइब्रिडाइजेशन? द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s एंड 1p ऑर्बिटल ओवरलैप एंड फॉर्म टू न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. देखिए दो ऑर्बिटल एक s और एक p ओवरलैप हुए हैं और बनने वाले ऑर्बिटल्स कितने होंगे? बनने वाले हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी दो ही होंगे. अब दो ऑर्बिटल्स किस तरह से अरेंज हो सकते हैं? दे विल अरेंज एट 180 एंगल
इन अ लीनियर वे. दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं. ये ब्लू कलर के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स दिखाए गए हैं, और ये दोनों एक दूसरे के साथ लीनियरली अरेंज हैं. दोनों 180 के एंगल पे हैं. एट द सेम टाइम द sp हाइब्रिड कार्बन कंटेन टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद द नेम ऑफ 2PY अनहाइब्रिड एंड 2PZ अनहाइब्रिड. जी तो स्टूडेंट, चलते हैं अबाउट द एग्जाम्पल ऑफ sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन की बेस्ट एग्जाम्पल विद द नेम ऑफ एसिटाइलीन विच हैव मोलिकुलर फार्मूला C2H2. कैसे अरेंज होगा? कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा, साथ में दोनों कार्बन के साथ में एक एक हाइड्रोजन अटैच होगा. हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इस एसिटाइलीन में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp ही है. हम इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक फॉर्मूला यूज करेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स अटैच टू दी सेंट्रल एटम. देखें, सेंट्रल एटम कार्बन है, उसके साथ में एक अदर कार्बन अटैच है और एक हाइड्रोजन अटैच है. इसका मतलब है कि नंबर ऑफ बॉन्डेड एटम्स कितने हैं? 2. नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं? 0. इस कार्बन पे कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं है. इसका मतलब है कि इस कार्बन की वैल्यू 2 होगी. जब भी कार्बन या सेंट्रल एटम की वैल्यू 2 होती है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp कंसिडर करते हैं. ठीक है, इसका मतलब है कि इन केस ऑफ एसिटाइलीन बोथ कार्बन आर sp हाइब्रिड है. इसका मतलब है कि बोथ कार्बन कंटेन 2 sp ऑर्बिटल्स एंड एट द सेम टाइम ईच कार्बन कंटेन 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स. जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पे देख सकते हैं कि कार्बन है, उसके पास 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल अवेलेबल है और 2 अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2py अनहाइब्रिड एंड 2pz अनहाइब्रिड अवेलेबल है. दूसरा कार्बन है, दूसरे कार्बन के पास भी 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल विद द नेम ऑफ sp एंड sp अवेलेबल है. एंड एट द सेम टाइम दिस कार्बन ऑल्सो कॉन्टेन 2PY अनहाइब्रिड एंड 2PZ अनहाइब्रिड. अब देखिए, कार्बन और कार्बन sp ऑर्बिटल्स आपस में लीनियरली ओवरलैप होंगे एंड आफ्टर इट्स लीनियर ओवरलैपिंग अ सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म. सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा और ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं दे विल ओवरलैप पैरेलली. ये पैरेलली ओवरलैप कर जाएंगे. जैसे देखें, 2PY और 2PY दोनों पैरेलली एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे. इनके ओवरलैपिंग यहाँ पे हम दिखाते हैं. PY एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाएंगे. आफ्टर ओवरलैपिंग अ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म. यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बन जाएगा. 2PZ एंड 2PZ विल ओवरलैप विद ईच अदर. 2PZ या अदर 2PZ दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे एंड आफ्टर देयर ओवरलैपिंग एंड अदर पाई बॉन्ड विल बी फॉर्म. अब रह गए हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एक कार्बन के पास, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के साथ. इट विल ओवरलैप विद 1s ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर जाएगा और सिग्मा बॉन्ड बनाएगा. सेम इसी तरह 1s ऑफ हाइड्रोजन के साथ दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल भी ओवरलैप हो जाएगा. तो यहाँ पे जो एसिटाइलीन है इसमें कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनेगा बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp एंड sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. कार्बन कार्बन 2 पाई बॉन्ड बनेंगे जिसमें से एक 2PY अनहाइब्रिड की ओवरलैपिंग से होगा और दूसरा 2PZ एंड 2PZ अनहाइब्रिड की ओवरलैपिंग से होगा. इसका मतलब है कार्बन कार्बन 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बन रहा है और एट द सेम टाइम कार्बन हाइड्रोजन 2 सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं बाय द ओवरलैपिंग ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन. और यहां पे द बॉन्ड एंगल बिटवीन sp एंड sp ऑर्बिटल इज 180 डिग्री एंड द मॉलिक्यूलर शेप इज लीनियर. इसकी शेप लीनियर होगी. जी, दिस इज ऑल अबाउट sp हाइब्रिडाइजेशन. जी तो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम हाइब्रिडाइजेशन की जो टाइप्स डिस्कस कर रहे थे उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन,
ये BS की क्लासेस में भी इंक्लूड थी और FSA की क्लासेस में भी इंक्लूड थी। अब अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसमें DSP3 हाइब्रिडाइजेशन है या फिर अदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हैं जो कि FSA क्लासेस के लिए इंक्लूडेड नहीं है। तो उसमें पहले टाइप को डिस्कस करते हैं, DSP3 हाइब्रिडाइजेशन, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन विच 1s, 3p एंड 1d ऑर्बिटल ओवरलैप्स एंड फॉर्म 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विथ सेम शेप एंड सेम एनर्जी। यहां पे देखिए एक s, 3p ऑर्बिटल्स और एक इसमें से d, यहां तक मैंने दिखाया है कि एक इसमें से d ऑर्बिटल साथ में ओवरलैप हो जाएगा, इंटरमिक्स हो जाएगा एंड आफ्टर इट्स इंटरमिक्सिंग इट विल यील्ड 5 न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम नेम, सेम शेप एंड सेम एनर्जी। सबकी शेप, सबकी एनर्जी और सबका नेम भी सेम ही होगा, दैट इज DSP3 एंड दे विल अरेंज इन दिस स्पेस इन ट्राइगोनल बाई पिरामिडल मैनर लाइक दिस। फास्फोरस जो है वो DSP3 शो कर सकता है इन फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के केस में फास्फोरस के अराउंड 5 DSP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। These 5 DSP3 orbitals are arranged around the phosphorus in trigonal bipyramidal way. इसी की एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। DSP3 की एग्जाम्पल में हमारे पास आता है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड में फॉस्फोरस के 5 DSP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्लोरीन के 5p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करते हैं एंड आफ्टर इट्स ओवरलैपिंग दे फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल एंड आफ्टर ओवरलैपिंग ऑफ DSP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ फॉस्फोरस एंड p ऑर्बिटल्स ऑफ क्लोरीन दे फॉर्म फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड मॉलिक्यूल जो कि आपके पास स्लाइड में अवेलेबल है। जी तो स्टूडेंट चलते हैं अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विद द नेम ऑफ D2SP3। इन केस ऑफ D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन एक s, 3p जिसमें px, py एंड pz ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होते हैं विद 2d ऑर्बिटल्स, टोटल 6 ऑर्बिटल्स जो हैं वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, एक s, 3p और 2d ऑर्बिटल्स एंड आफ्टर देयर इंटरमिक्सिंग दे विल यील्ड 6 न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड सेम एनर्जी एंड आर लेबल्ड एज D2SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एंड विल अरेंज इन द स्पेस इन ऑक्टाहेड्रल मैनर। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं या व्हाइट बोर्ड पे आपके पास यहाँ पे दिखाया गया है कि 6 D2SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज हो जाएंगे इन ऑक्टाहेड्रल मैनर। जी तो स्टूडेंट चलते हैं D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन की एग्जांपल की तरफ। D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन की एक एग्जांपल दैट इज विद द नेम ऑफ सल्फर हेक्साफ्लोराइड। सल्फर हेक्साफ्लोराइड के केस में सल्फर के वैलेंस शेल उसी के पेनल्टीमेट डी ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होता है एंड 6 D2SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है। आफ्टर इंटरमिक्सिंग 6 D2SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है और ये 6 जो कि ये हमारे पास ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, ये 6 D2SP3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ सल्फर विल ओवरलैप विद 6p ऑर्बिटल्स जो कि स्लाइड में आप देख सकते हैं, 6p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोराइड, फ्लोरीन के 6p ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैप करेगा और एज ए रिजल्ट हमारे पास ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगी सल्फर हेक्साफ्लोराइड की। एज ए रिजल्ट हमारे पास सल्फर हेक्साफ्लोराइड बनेगा और सल्फर हेक्साफ्लोराइड की स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होगी और इसी ऑक्टाहेड्रल को हम स्क्वायर प्लेनर बाइपिरामिडल भी कह सकते हैं। जी तो स्टूडेंट ये था अबाउट हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में हमने sp हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, DSP3 हाइब्रिडाइजेशन एंड D2SP3 हाइब्रिडाइजेशन देखा और उनकी एग्जांपल को देखा, बॉन्ड फॉर्मेशन को देखा और बनने वाले मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर्स के बारे में देखा। दिस इज ऑल अबाउट हाइब्रिडाइजेशन। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। कीप स्माइलिंग, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।